जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कुछ भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। छह बहुत ही भाग्यशाली राशियां, दो समराशियां जिनकी स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। माता रानी की कृपा से पुत्र धन की प्राप्ति होगी और अब इनका शुभ समय शुरू होगा। पिछली बातें जो भी थी, जो भी परेशानी आई थी या जैसा भी समय था, वह आप भूल जाएं, पिछली बातें भूल जाएं। अब आगे के समय के बारे में सोचें और आने वाला समय आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ग्रहण की स्थिति प्रतिदिन बदलती है, यानी चंद्रमा प्रतिदिन स्थितियां बदलता है और महीने में जब भी संक्रांति आती है तो सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं। किसी राशि में वो बहुत ही अच्छे होते हैं, किसी राशि में नीच के होते हैं। जैसे कि इस राशि में है, तुला राशि में नीच के। फिलहाल में तुला राशि में सूर्य का जो प्रवेश है वह नीच है, लेकिन नीच भंग योग हो जाए तो नीच का ऐसा अशुभ प्रभाव नहीं दिख पाता। जैसे अगर सूर्य नीच राशि के हैं और साथ में बुध आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि सूर्य का नीचपना जो है, जो नीच स्थिति में है, वह अशुभ प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। अगर सूर्य बुध आदित्य योग बन जाता है तो ये बहुत ही अच्छा योग है और इस योग के प्रभाव से बहुत बड़ी कामयाबियां मिलती हैं, कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, व्यापार क्षेत्र में सफलता मिलती है, संतान पुत्र की प्राप्ति होती है और जीवन के हर क्षेत्र में इंसान बढ़ोतरी करता है, यानी वृद्धि करता है। अगर सूर्य अच्छा हो तो पिता के लिए बहुत ही अच्छे हैं और व्यापार के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, नौकरी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा होती है, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय से ही भगवान सूर्यदेव की आराधना का बड़ा महत्व है। जो लोग भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माता दुर्गा की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि, जो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। गुरु का धनुराशि में प्रवेश, गुरु का धनुराशि में शुभ स्थिति में होना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। गुरु की पंचम दृष्टि मेष राशि पर मेष राशि वालों को अच्छी खासी तरक्की दिलाएगी। मेष राशि वालों को संतान धन प्राप्ति के पूरे योग हैं, क्योंकि पंचम भाव संतान का ही भाव होता है। दूसरी जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि धन की एक प्रकार से वर्षा कह सकते हैं, क्योंकि राहु अचानक धन के बहुत बड़े बड़े लाभ दिलाएगा। कई प्रकार के कार्य संपन्न होंगे, बड़ी सफलताएं मिलेंगी और जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति ही उन्नति, अचानक धन का लाभ, बड़ा लाभ। जो भी कार्य आप करेंगे, जिस क्षेत्र में भी आप बढ़ेंगे, उस क्षेत्र में आपको उन्नति उन्नति मिलेगी। जो भी आप व्यापार या नौकरी में आप कदम बढ़ा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी लगी हुई हो तो प्रमोशन होगा आपका। अगली है कर्क राशि, जो बहुत ही शुभ और अच्छी राशि है। कर्क राशि का बहुत ही बढ़िया योग है, लेकिन कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। परिवार को संभाल करके चलना है, माता की पूजा करनी है, किसी भी मंत्र का आप जाप आदि करते रहें। आने वाला समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, पैसा वगैरह किसी को उधार ना दें। अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि पर गुरु की नवी दृष्टि है और नवी दृष्टि जो होती है वह बहुत ही शुभ मानी जाती है, यानी भाग्य की स्थान। नवा जो स्थान होता है वह भाग्य का होता है और भाग्य का यह स्थान इंसान की किस्मत बदल देता है।
अगर गुरु की शुभ दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाए तो इंसान की किस्मत बदल जाती है। ऐसे ही गुरु की किस्मत बहुत ही अच्छी है और गुरु की किस्मत के द्वारा यानी गुरु की दृष्टि के द्वारा कर्क राशि वालों, धनुराशि वालों को, सिंह राशि वालों को बड़ा लाभ मिलेगा। अगली जो राशि है वह है धनुराशि। धनुराशि जिसमें गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं, और 20 नवंबर तक धनुराशि वालों को बड़ा लाभ मिलने वाला है और यह शुरू हो चुका है। जिनकी धनुराशि है उनकी धन की जो कमी थी वह भी पूरी हो चुकी होगी। और अगली जो राशि है वह है मकर राशि, जिस पर शनि का गोचर सफलता ही सफलता दिलाएगा, यानी शनि देव की कृपा से मकर राशि वालों का बहुत ही अच्छा भाग्य कह सकते हैं। शनि की बहुत ही अच्छी दृष्टि है और शनि हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। अगर जिसके लिए शनि देव शुभ दृष्टि होती है, शनि शुभ पड़ जाए तो जीवन की हर क्षेत्र में उनको सफलता ही सफलता मिलती है। अगली जो राशि है वह है कुंभ राशि। शनि देव की प्रथम पैर की दृष्टि शनि सात साढ़े साती की जो बहुत ही शुभ रहने वाली है और शनि देव इनको सफलता दिलाएंगे, संतान धन की प्राप्ति होगी, हर प्रकार के लाभ मिलेंगे, नौकरी में उन्नति होगी, व्यापार अच्छा चलेगा। माता रानी की कृपा से हर क्षेत्र में कुंभ राशि वालों को सफलता मिलेगी, गया हुआ धन वापस मिलेगा, हर कार्य में लाभ मिलेगा। अगली जो राशि है मीन राशि, जिसके लिए गुरु बहुत ही शुभ स्थिति में है, गुरु के द्वारा और मंगल के द्वारा बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है, भूमि जायदाद आदि का लाभ मिलेगा। अगर कोई केस वगैरह चल रहा है तो वह भी दूर होगा, संतान धन प्राप्ति के योग हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे योग हैं। पूरे नवरात्रि की नवरात्रि माता के सामने अखंड ज्योति जलाएं, माता की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और श्री यंत्र की स्थापना भी करें, श्री यंत्र की स्थापना बहुत अच्छी होती है और जिस घर में श्री यंत्र होता है उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, माता लक्ष्मी का हमेशा ही आशीर्वाद उस घर में बना रहता है। तो ये थी कुछ भाग्यशाली राशियां जिनकी जानकारी मैंने आपको दे दी, ये भाग्यशाली राशियां हैं और आने वाला समय इनका बहुत अच्छा रहने वाला है। बस आप ध्यान रखें, पूजा पाठ की तरफ ज्यादा ध्यान दें जिससे आपका शुभ समय और ज्यादा शुभ हो। तो वीडियो को शेयर करें जिससे सबको अपने राशि के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। जय माता दी।